सिद्धपुर गांव में पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोक जागृति केंद्र के सचिव अरविंद तिवारी ने किसानों के साथ बैठक की। साथ ही जीतपुर के जंगल में वहां के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण की रक्षा की शपथ ली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मधुपुर प्रखंड के जीतपुर गांव में मजदूर किसान समिति एवं लोक जागृति केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने चर्चा करते हुए कहा कि हम लोग हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं, सिर्फ पर्यावरण दिवस मनाने से नहीं होगा बल्कि उसको हम लोग अपने जीवन का माध्यम बनाना होगा। खासकर कोरोना वायरस के प्रकोप में बाहर से आ रहे मजदूरों को इस पर्यावरण में उसके रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर विचार करना जरूरी है। जंगलों में बहुत सारे फल फूल जड़ी बूटी उपलब्ध हैं, जिससे काफ़ी रोजगार की संभावना पैदा हो सकती हैं। जैसे महुआ का बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, पौष्टिकता भरपूर मात्रा में पाई जाती है। हर्रे, बहरा, आंवला, करंज, बेल, जामुन बहुत सारे फल फूल हैं जिसका उपयोग औषधि के अलावा और कई चीज़ों में इसका उपयोग होता है। इसके लिए पंचायत व सरकार को आपस में तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। पंचायत की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए ताकि स्वावलंबन की दृष्टि से कौन से गांव में रोजगार किस प्रकार से पैदा हो, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। लोगों को जहां रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, वे लोग स्वतः जंगल बचाने का कार्य करने लगेंगे और इससे पर्यावरण भी बचेगा। जीतपुर जंगल से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार सिर्फ तसर से मिल सकता है। तसर उत्पादन से लेकर कपड़ा बनाने तक इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए झारखंड सरकार द्वारा बड़े बड़े भवन बनाए गए हैं। इसमें यह योजना बनाई गई तो प्रत्येक गांव में महिलाओं को चरखा दिया जाएगा जहां तसर सूत का उत्पादन होगा। जीतपुर में कपड़ा बुनाई से लेकर रंगाई तक होगा, जिसमें लगभग 10,000 महिला पुरुष को रोजगार मिल सकते हैं और परिवार की रक्षा भी हो सकती है। वहीं इस अवसर पर जंगल के पेड़ों पर लोक जागृति केंद्र के सचिव अरविंद तिवारी व ग्रामीणों ने रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का शपथ लिया।